सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात कर लेते हैं। मंथन देर रात तक चला है सीएम हाउस में। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें चलती आ रही हैं उसको लेकर बैठकों का दौर भी लगातार जारी। देर रात तक बैठकें चली हैं, सीएम हाउस में भी एक बड़ी बैठक हुई है। मंत्रिमंडल के नामों को लेकर लगातार मंथन की स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार। अभी तक दो नामों पर सहमति बनती नजर आ रही है, दो नामों पर अभी भी पेंच फंसता हुआ नजर आता है। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर लगातार तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। चार नाम जिनमें से दो लगभग तय हो चुके हैं, दो पर अभी भी मंथन की स्थिति। ये माना जा रहा है कि कल हुई बैठक से भी कुछ खास निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आए हैं। आने वाले समय में मंथन का दौर जारी रह सकता है। कब तक नामों की घोषणा होती है इस बारे में भी संशय, क्योंकि दो अन्य नाम जिन्हें लेकर अभी भी मंथन की स्थिति नजर आती हुई। चुनावी साल और चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें, बहुत बड़ा निर्णय और जमीनी स्तर पर राजनीतिक लिहाज से तो है ही, लेकिन पार्टी के लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय है। चुनाव में किसी को निराश नहीं किया जा सकता, रूठे नेताओं को मनाने की कवायद भी आप कह सकते हैं, लेकिन पार्टी पर इसका सीधा सीधा असर। सही कि वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। वासु, कल हुई बैठक में क्या कुछ हुआ है, आने वाले समय में कब तक घोषणा हो सकती है, इस पर कोई जानकारी अभी तक? रही हैं और इसको लेकर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, या फिर अन्य नेता हो जिन्हें मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, मुरलीधर राव जो प्रभारी हैं, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव जैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी लगातार इसको लेकर मंथन करते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल कल भी जो बैठक हुई उसके बाद कोई नामों को लेकर स्पष्ट स्थिति सामने निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि ये माना जा रहा है अवंतिका की चार नामों को इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह देनी है, जिनमें से दो नामों पर तो लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन दो नामों को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति जो है वो सामने आ रही है। सबसे बड़े जो नाम सामने आ रहे हैं वो विंध्य से राजेंद्र शुक्ला का नाम है, उसके बाद गौरी शंकर बिशन जो बालाघाट से आते हैं उनका नाम सामने आ रहा है, नरसिंहपुर के विधायक जालम सिंह पटेल जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के छोटे भाई भी हैं, उनका नाम भी इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जिन लोगों का नाम शामिल किए जाने की चर्चा है उनका नाम भी से सामने आया है। और बीजेपी की कोशिश अगर आप इन तीन चार नामों को देखते हैं तो यही है कि तमाम क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधा जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तीन महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि क्या कल की बैठक में कोई नतीजा निकला या फिर नहीं निकला। अगर नतीजा निकल गया होगा, कुछ नामों पर सहमति बनी होगी, तो निश्चित तौर पर उन्हें अब आलाकमान को भेजा जाएगा। आलाकमान की अगर अंतिम मुहर लग जाती है तो फिर मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में या यथासंभव आज ही हो सकता है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो, नए मंत्रियों की सूची जो है वो सरकार की ओर से जारी की जाए। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं संभव हो पाया है तो कुछ दिनों के लिए ये इंतजार और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बीजेपी हर एक कदम पॉलिटिकल मैनेजमेंट के हिसाब से फूक फूक कर रख रही है। एक चुनौती बीजेपी के सामने ये है कि चुनाव के पहले तमाम जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जाए और उसी लिहाज से मंत्रिमंडल के विस्तार का जो पूरा एक ग्राउंड है वो तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा अवंतिका ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको पार्टी के अंदर भी देखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाता है तो जो अन्य नेता है उनमें किसी तरीके की नाराजगी हो या विरोधाभास जैसी बात आ जाए, तो दोनों ही तरफ बहुत महीन सी रेखा है और दोनों ही तरफ बहुत आराम से बीजेपी को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना होगा। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और मुझे लगता है कि यही वजह है कि इसमें लगातार इतना ज्यादा समय जो है वो लग रहा है। लेकिन अटकलों का दौर जो है वो लगातार जारी है और जो कुछ भी निर्णय है अगर होने को लेकर, अगर विस्तार होने को लेकर नाम तय हो गए हैं तो जल्द ही वो दिखाई भी दे जाएगा, क्योंकि कल जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने भी इस ओर इशारा किया था कि अगर जल्द ही जो भी स्थितियां हैं वो आप लोगों के सामने स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन थोड़ा और इंतजार मुझे लगता है कि अभी करना होगा। अवंती, चलिए देखते हैं कब तक घोषणा होती है। बहुत शुक्रिया आपका वास्तु इस जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात भोपाल से अगली बड़ी खबर के करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी। छिंदवाड़ा के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहेंगे। आज कमलनाथ के गढ़ में शिवराज की हुंकार आपको सुनाई देगी।
सौंसर में हनुमान लोक का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। रोड शो का भी आयोजन यहां पर, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की एक कोशिश बीजेपी की तरफ से, लेकिन प्रदेश के मुखिया जब पहुंचते हैं तमाम विकास कार्यों की सौगात भी देते हैं। छिंदवाड़ा में भी कई सारी सौगातें आज मुख्यमंत्री दे सकते हैं, मंच से जिनका ऐलान शायद मुख्यमंत्री करें। लेकिन फिलहाल ये जानकारी कि कमलनाथ के गढ़ में आज एक बड़ी जनसभा होने जा रही है, विशाल मेगा रोड शो, इसमें मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बैतूल के भी दौरे पर रहेंगे, बैतूल के सारणी भी जाएंगे मुख्यमंत्री। सतपुड़ा थर्मल पावर में क्रिटिकल यूनिट का भूमि पूजन वो करेंगे, 3 कोयला खदानों का शिलान्यास करेंगे। आमला में कई सारे विकास कार्यों की सौगात देंगे, सतपुड़ा थर्मल पावर के अधिकारियों के साथ बैठक भी होने वाली है। एक और बड़ी जानकारी, छिंदवाड़ा के साथ साथ बैतूल के दौरे पर भी आज मुख्यमंत्री, यहां पर भी कई सारे विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और अधिकारियों के साथ बैठक की भी खबर। तो बैतूल के सारणी में आज मुख्यमंत्री का खास कार्यक्रम, कई परियोजनाओं की सौगात, थर्मल पावर प्लांट में क्रिटिकल यूनिट का भूमि पूजन भी उनकी तरफ से होना है। सतपुड़ा पावर प्लांट के अधिकारियों के साथ बैठक भी आज करेंगे, 3 कोयला खदानों का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। और ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्रस्ट के मामले में आज सुनवाई होने वाली है। कमला राजे चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले में आज एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। ट्रस्ट ने एजी ऑफिस पुल की जमीन का मुआवजा मांगा है, 7,55,00,000 मुआवजा 12% ब्याज के साथ मांगा गया है। जिला कोर्ट में फिलहाल ये मामला चल रहा है, आज कोर्ट की तरफ से इसमें सुनवाई होनी है, फैसला सामने आ सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ट्रस्ट से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, जिसमें एजी ऑफिस पुल की जमीन का मुआवजा मांगा गया है, 7,55,00,000 का मुआवजा 12% ब्याज के साथ जिसकी मांग की गई है। जिला कोर्ट में फिलहाल यह मामला है, आज इस मामले पर सुनवाई होनी है और यह माना जा रहा है कि आज ही इस मामले को लेकर फैसला स्पष्ट हो सकता है। कमला राजे चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से इसमें मांग रखी गई है, एजी ऑफिस पुल की जमीन का मुआवजा मांगा जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्रस्ट से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, जिस पर जिला कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, फैसला भी आज ही सामने आ सकता है। सही के सुशील ज्यादा जानकारी देंगे, सुशील विस्तार से जानकारी इस मामले को लेकर। देखिए, ग्वालियर के एजी ऑफिस के पास रेलवे ट्रैक पर ओवरब्रिज बना है, करीब 3 दशक से ज्यादा पुराना ये ओवर ब्रिज है, और ये ओवरब्रिज जिस जमीन पर बना हुआ है उस जमीन का काफी सारा भाग जो है सिंधिया ट्रस्ट ने अपना बताया था, और उसी को लेकर सिंधिया ट्रस्ट ने शासन से 7,00,00,000 रुपए के मुआवजे के लिए कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, और उसी मामले पे लगातार सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया था, लेकिन बार बार समय देने के बाद जब शासन की तरफ से पक्ष नहीं रखा गया था तो शासन को अपना पक्ष रखने का अधिकार कोर्ट ने खत्म कर दिया था, और अब कोर्ट इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला देने वाला है, यानी शासन ने अपना जवाब पेश नहीं किया, और यही वजह है कि अब ये माना जा रहा है कि इस मामले में दस्तावेजों को देखने के बाद जो फैसला है वो सिंधिया ट्रस्ट के हक में आने की संभावना है। और इस ट्रस्ट में आपको बता दें कि कमला राजा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसकी अध्यक्ष माधवी राजे सिंधिया है, जो सिंधिया की माता है। इसके अलावा सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे, बेटे महान अरिमन सिंधिया सहित अन्य लोग इसमें ट्रस्टी है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जो है सुनवाई होना है, इसमें एक बड़ा फैसला आने की संभावना बनी है आज। चलिए देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील। और उधर आगर मालवा के सुसनेर में सोशल मीडिया के पोस्ट से नाराज होकर बीजेपी नेताओं ने ज्ञापन सौंपा है। जिला मंत्री अर्चना जोशी के एक पुरानी फोटो से छेड़छाड़ कर फेसबुक पर पोस्ट कर मंत्री की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। विधायक राणा विक्रम सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर खींचे गए सामूहिक फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई। फेसबुक पर फर्जी आईडी से इसे पोस्ट किया गया और इसी को लेकर बीजेपी नेताओं ने सुसनेर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर फर्जी आईडी चलाने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की।
सोशल मीडिया पर एक फोटो मेरा वायरल किया जा रहा है जो निर्दलीय विधायक के भाजपा में शामिल होने पर महिला मोर्चा के साथ में हमने उनके घर जाके जो सम्मान किया था उनका, तो साथ ही वहाँ पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष चतुर्भुज दास जी भूतोड़ा भी उपस्थित थे। विधायक जी के कहने पे मेरे द्वारा उनका सम्मान किया गया और सच्चाई यह है कि आईडी एक सोशल मीडिया पर किसी के द्वारा चलाई जा रही है। उन्होंने मेरे उसी फोटो के साथ छेड़खानी करके उसको गलत तरीके से वायरल करके मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। तो आज सच्चाई यह है कि आईडी से एक फोटो दीदी का डाला गया जो गलत तरीके से फोटो को प्रस्तुत करके डाला गया है। इसका हम भारतीय जनता पार्टी जिले की ओर से, भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से इसका विरोध करते हैं। और देवास पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक नाबालिग को बहलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की और पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी को पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर राजस्थान के पोकरण से गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए पाक बॉर्डर तक पहुंच चुका था। और आईसीएन से अगली बड़ी खबर, जहां जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की छत गिर गई है। इसके चलते नर्सिंग ऑफिसर जख्मी हो गए और उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। उनका सीटी स्कैन कराया गया है फिलहाल। दरअसल जिला अस्पताल का ये भवन काफी जर्जर हो चुका है। यहां पर आए दिन हादसे होते ही रहते हैं, इसके बावजूद जिम्मेदार इस तरफ ध्यान देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, वो भी तब जब जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। लेकिन इस इमारत में कुछ छोटे छोटे काम अभी भी बाकी हैं जिन्हें पूरा करने में काफी वक्त लग सकता है। कोई भी बताए कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कोशिश की बदौलत यहाँ पर नई इमारत बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन शिफ्टिंग अभी तक नहीं हुई। इस संदर्भ में हम पत्र लिख चुके हैं पीआईयू को और ये बिल्डिंग जो है टूटना है। जैसे ही हमें हैंडओवर हो जाएगी तो फिर हम लोग ओटी को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे। और बुरहानपुर के झाजर गांव में एक गरीब किसान को बीज विक्रेता द्वारा नकली बीज बेचने का मामला सामने आया है। किसान ने कलेक्टर भव्या मित्तल से इसकी शिकायत की है। कार्रवाई नहीं होने पर किसान ने आत्महत्या करने की भी चेतावनी दी है। कलेक्टर ने इस मामले की जांच करने की बात कही है। किसान की तरफ से नकली बीज खेत में बोने से फसल बर्बाद हो गई, ये भी बताया जा रहा है। लाखों का नुकसान इस व्यक्ति को हो चुका है। हमने कपास वर्षा बीज भंडार से कपास खरीदा तो मुझे डुप्लीकेट कपास दे दिया गया। मैं किसान आदमी हूँ, मेरी फसल पूरी नष्ट हो गई। डुप्लीकेट भिजवा देने से मैंने 659 मांगा, उसने 639 दे दिया और मजबूर कर दिया मुझे। मेरा 2.5 लाख का कम से कम नुकसान हो गया और मेरे को आत्महत्या करने से मजबूर कर दिया उसने। और मिशन चंद्रयान से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी, चंद्रयान 3 से प्रज्ञान रोवर निकल चुका है। विक्रम लैंडर से बाहर निकल चुका है प्रज्ञान रोवर और चंद्रमा की सतह पर अब प्रज्ञान रोवर उतरकर प्रयोग करने वाला है। चांद की सतह पर घूमकर वातावरण को मापने की स्थिति होगी। साथ ही साथ प्रज्ञान रोवर ये जांचेगा कि जीवन की संभावनाएं वहां पर कितनी है। और साथ ही साथ चंद्रयान 3 जब लैंड हुआ चांद पर उस समय की ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि लगातार हर भारतीय को गौरवान्वित करती हुई आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, वर्चुअली लगातार जुड़े हुए थे, लैंडिंग को देख भी रहे थे। चांद पर जब चंद्रयान लैंड कर रहा था उस समय का नजारा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और तीसरी सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर इसरो की है, चंद्रयान 3 के लैंडिंग के साथ ही जश्न का माहौल साइंटिस्ट के बीच। और अब 25 सेकंड में खबर। भोपाल में 43 बीजेपी उम्मीदवारों की पाठशाला, सीएम शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर हुए शामिल, जीत का दिया मंत्र। बीजेपी में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद विरोध के स्वर, धार, बैतूल और भिंड में प्रत्याशियों का विरोध, स्थानीय नेताओं को टिकट देने की मांग। एमपी में मेयर और निगम आयुक्त के बढ़े पावर, सरकार ने जारी की अधिसूचना, अब और ज्यादा राशि दे सकेंगे। खरगोन के